बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 4 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको पहले दो बातें याद रखनी हैं एमसीक्यूज के हवाले से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हवाले से, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रांगर, ये स्ट्रांगर है किसके मुकाबले में, देन सिंपल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के मुकाबले में। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं डाइपोल फोर्सेस, उनसे ये स्ट्रांगर होता है, ये आपने याद रखना है। और दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर, ये वीकर होता है, कितना वीकर होता है, 20 टाइम्स वीकर, ये 20 गुना कमजोर होता है किसके मुकाबले में, देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये 20 टाइम्स क्या होता है, ये वीकर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये भी एक वीक बॉन्ड होता है, जो किसके दरमियान बनता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन एटम के दरमियान और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, और रेयरली हम कहते हैं क्लोरीन है। तो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की अब डेफिनेशन क्या होती है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या है बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच है, बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान, लाइक जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, एंड रेयरली बेटा क्या है, क्लोरीन है। तो ये आपने याद रखना है कि एक कौन सा एटम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम, और दूसरा होता है बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसा कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, एंड रेयरली क्लोरीन है। तो अगर मैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को देखूं, तो पहली बात, ये नॉन मेटल्स हैं, इसका मतलब ये साइज में स्मॉल हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। दूसरा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो जब ये जुड़े हुए होंगे किस चीज से बेटा, हाइड्रोजन से बॉन्डेड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है और इन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि आप देखते हैं वाटर के अंदर, ये बेटा वाटर का स्ट्रक्चर है, ये बेटा H2O, इसमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने दो मॉलिक्यूल ड्रा किया, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर एक और वाटर का हम मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का और ये जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का हामिल, ये इस वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये बेटा क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब ये किस तरह से बनाएगा, पहली बात तो ये है कि वाटर पोलर हो गया ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये पोलर है, तो यहां भी वाटर पोलर है, ये वाटर भी पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ चुके हैं सिंपल डाइपोल क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, लेकिन ये डाइपोल फोर्सेस से भी एक स्ट्रांग बॉन्डिंग हो चुकी है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड से जाहिर कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। तो ये किस तरह से हुआ,
पहली बात यह है कि हाइड्रोजन का साइज छोटा है, इसका बेटा एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है इसका, स्मॉल साइज है, तो इस स्मॉल साइज की वजह से यह क्या करता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बनता है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन में इसका एटॉमिक नंबर हम पढ़ चुके हैं 8 है, इसके बेटा फर्स्ट शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 6 होते हैं, तो इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन ये 2 लोन पेयर की सूरत में रहते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, जैसा कि इन्होंने बनाया हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर वाटर में जो ऑक्सीजन है, देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट होता है हाइड्रोजन को, तो सिंपल क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पर यहां हाइड्रोजन के स्मॉल साइज की वजह से, पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर की वजह से, ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव करेक्टर की वजह से, ये 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के 2 हाइड्रोजन के साथ ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजन है ये मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, ये 2 लोन पेयर की वजह से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, इट कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो फ्लोरीन होती है इट कैन फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो फ्लोरीन बनाती है ड्यू टू इट्स ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम ये कंपैरिजन में भी कहते हैं कि जब वाटर बनता है और जब HF बनता है तो स्ट्रांगेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां होगा, लेकिन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑक्सीजन बनाती है, इसलिए जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू HF। ये बात तो क्लियर हो गई कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा हो गया ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से, और फ्लोरीन जो है वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है पर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी, इसमें ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ 2 हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव के साथ बनाती है। अब हम बेटा देखते हैं कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि HF में कैसे होती है, अमोनिया में कैसे होती है, क्लोरोफॉर्म में कैसे होती है, तो उसका हम डायग्राम भी देखते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वाटर के बाद बेटा हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि अमोनिया। अमोनिया में बेटा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7, तो इसके फर्स्ट शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एल शेल इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन ने बेटा 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की और कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। चूंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इसका साइज स्मॉल है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के क्लोज रीजन में जाता है, करीब जाता है, तो एक अमोनिया का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का हाइड्रोजन और दूसरे अमोनिया का पार्शियल नेगेटिव चार्ज का नाइट्रोजन, ये बेटा आपस में क्या बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है किसके बीच में, अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में। सेकेंड हम आते हैं HF की तरफ, इसे आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं, इसमें फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 9, तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में 7 होते हैं, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, शेयरिंग की हुई है, लेकिन ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हमें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग ऑल, तमाम में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सेकंड मॉलिक्यूल है HF का, जब ये करीब आएगा तो इस फ्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव जो है और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली थर्ड HF का मॉलिक्यूल जब करीब आएगा तो इस सेकंड का हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव है, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, ये भी आपस में क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये आपस में zigzag मैनर में जुड़ गए हैं, तो दे आर अटैच विद ईच अदर इन अ zigzag मैनर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड।
अगर हम यहां पर एंगल की बात करें तो यहां 120 डिग्री का एंगल बनता है। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और यह है बेटा एसीटोन। तो यह क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं और यह क्या है बेटा एसीटोन, कीटोन फैमिली से। इसमें जो क्लोरोफॉर्म है कार्बन ने 3 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और चौथा बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो ये टेट्रावेलेंसी को शो कर रहा है। हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो क्या करेगा क्लोरीन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो कि कार्बन ने शेयर किए हुए हैं क्लोरीन के साथ, तो कार्बन के इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटेन्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अटेन कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन में कम हो चुकी है तो हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी का जो असर है वो हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच है उस पर भी पड़ेगा, तो उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह एसीटोन में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, उसके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एसीटोन का ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव है, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे किस बॉन्ड के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम देख रहे हैं कहां कहां होती है, ये हाइड्रोजन एटम की वजह से होती है जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन के साथ भी बन सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बन सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनती है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस हैं, उसको चेक करते हैं। तो बेटा हम इसकी पहली एप्लीकेशन देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फर्स्ट एप्लीकेशन है कि इससे हमें एसिड की स्ट्रेंथ का पता चलता है। जैसे बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज वीकर एसिड, ये वीकर एसिड है किसके मुकाबले में, देन HCl, HBr एंड HI। तो HF जो कि हैलोजन एसिड है, हैलोजन एसिड ये वीकर एसिड है बाकी हैलोजन एसिड्स जैसे HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन एयोडाइड, इनसे ये वीकर एसिड है। इसके क्या रीजन है, सबसे पहले तो हमें एसिड का कंसेप्ट होना चाहिए कि एसिड इज व्हाट, एसिड क्या होता है, एसिड वो सब्सटेंस है वो स्पीशी है विच डोनेट प्रोटॉन इजीली, जो के प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकता है। अब क्या यहां अगर HF वीकर एसिड है तो इसका मतलब ये प्रोटॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा, तो ऐसा ही है। HF में अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था zigzag manner से, ये आपस में HF के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो यहां जो H है आपके सामने है पार्शियल पॉजिटिव, इसका एक तरफ फ्लोरीन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरी तरफ फ्लोरीन के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम कहते हैं कि यहां जो H प्लस है पार्शियल पॉजिटिव है, इट इज एंट्रैप्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स के बीच में फंसा हुआ है, एंट्रैप्ड है, सो इट कैन नॉट बी डोनेटेड इजीली। तो इसको यहां से रिमूव करना, इसको यहां से डोनेट करना, ये आसान नहीं है। तो इसका मतलब कि जब प्रोटॉन आसानी से डोनेट नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये वीकर एसिड है। तो HF भी इसी वजह से वीकर एसिड है HCl, HBr, HI से, कि हम यहां से प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एंट्रैप्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। तो बेटा सेकंड हम इसकी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सेकंड एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें यह पता चलता है कि आया जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं या नहीं हैं, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से, लोअर मेंबर्स जिनमें कार्बन की तादाद कम हो। हमें पता है कि जो अल्कोहल है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें क्या होता है बेटा, COOH होता है। तो ये जो है इथाइल अल्कोहल और लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, सॉल्युबल है। किस वजह से सॉल्युबल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बांड बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बांड विद वाटर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसा कि बेटा ये C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल मैंने ड्रा किया। अब ये है बेटा वाटर H2O। ऑक्सीजन, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा जो वाटर है इसका जो हाइड्रोजन है यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्कोहल की ऑक्सीजन, वाटर का हाइड्रोजन, ये आपस में क्या बना लेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं लोअर मेंबर्स, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, अल्केन फैमिली की बात करें, जैसे मीथेन है, जैसे इथेन है, तो ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होंगे बेटा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं। इसके कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उस वक्त के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।